समस्याएं दूसरों की हों तो हर समस्या का समाधान हमारे पास होता है। अगर दूसरा कोई गलत कर रहा है तो हमें पता चल जाता है कि उसने गलती कहां पर की है और अब वह किस प्रकार से सफ़र करेगा, किस प्रकार से इसका दंड भुगतेगा। और लेकिन जब समस्याएं अपनी होती हैं तो हम इस निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं कि इस समस्या का समाधान कहां पर करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूँ तो क्रिकेट के ग्राउंड में खेलता हुआ क्रिकेट का एक प्लेयर जो होता है वह कहाँ पर गलती कर पा रहा है या कहाँ पर वह गलती कर रहा है, दर्शक इसे बखूबी देखता है और इंडिकेट भी करता है कि ये करना था और ये नहीं करना था। लेकिन वहीं पर वह क्रिकेट का खिलाड़ी ये समझ नहीं पाता है कि वास्तव में उसे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये होता है कि जब हम समस्याओं में बहुत अधिक शामिल हो जाते हैं या यूँ कहें कि समस्याओं से इस तरीके से घिर जाते हैं कि हम अपना ओवरव्यू नहीं दे पाते हैं, तो समस्याएं हमको ऐसे घिर लेती हैं कि उसका समाधान हमें नज़र नहीं आता है। हमारे जीवन में भी ऐसी समस्याएं अक्सर आती रहती हैं और इन समस्याओं से निपटने का एकमात्र तरीका ये माना जा सकता है कि आप इन समस्याओं को हल करते समय थोड़ा सा उनसे दूर रहें और अपना ओवरव्यू बना के रखें। साथ ही साथ आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर ये समस्या किसी अमुक व्यक्ति की होती और आप समाधान करने के लिए होते तो इसका क्या समाधान निकालते। यानी कि समस्याओं से बिल्कुल लिप्त होकर अपनी मेधा और बुद्धि का नाश कर देना यह एक तरीके से समस्या को बढ़ा देगा और समाधान की दिशा में आपको कभी भी नहीं ले जाएगा। यकीन मानिए आपके जीवन से बड़ी आपके जीवन की कोई भी समस्या नहीं हो सकती है, इसलिए जीवन सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आप इस बात को लेकर खुश हो सकते हैं कि आपका जीवन आपके साथ है और समस्याएं जो होती हैं वो क्षणिक होती हैं और आगे चलकर ये समस्याएं अगर आप उनका समाधान नहीं भी खोजेंगे तब भी वो अपना थोड़ा बहुत प्रभाव छोड़कर समाप्त हो जाएंगी। इसका अर्थ ये भी है कि इन समस्याओं में बहुत अधिक लगे रहना इसका कोई निदान नहीं है और इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो डियर फ्रेंड्स, अपनी समस्याओं के लिए एक ओवरव्यू रखना बहुत ही जरूरी होता है और यकीन मानिए कि अगर आप नियमित रूप से कोई कार्य कर रहे हैं तो सफलता एक दिन आपको अवश्य मिलती है। अगर कार्य की अधिकता बहुत अधिक है तो सबसे बेहतर कार्य ये होगा कि आप उसे टुकड़ों में बांटें और डेली बेसिस पर आप उसे निपटाते रहें। तो फ्रेंड्स, आज की तारीख है 11 सितंबर 2018। शुरू करते हैं आज का ये मॉर्निंग न्यूज सेशन। सबसे पहले कुछ आपको चीज़ें बता देता हूँ जो कि आपके लिए रिमाइंडर का काम करेंगी। CTET में अगर आपने कोई त्रुटि कर दी है और फॉर्म में आप अपने सुधार करना चाहते हैं तो इसके लिए डेट मतलब कि 6 सितंबर से लेके 15 सितंबर के बीच में रखी गई है। वर्तमान में 11 सितंबर है, यानी कि आप इस कार्य को तेज़ी से निपटा लें तो बेहतर रहेगा। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने BEd किया हुआ था लेकिन अभी जो है वो लोग Paper 2 में अप्लाई किए थे, Paper 1 में अप्लाई नहीं कर पाए थे, तो ऐसे लोग भी अपना जो है फॉर्म करेक्शन के माध्यम से दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है ये कार्य तो जल्दी से निपटा लीजिए। बात करेंगे KVS के बारे में, तो KVS में वर्तमान में फॉर्म फिलिंग चल रही है। 23 सितंबर लास्ट डेट है, अंतिम तिथि करीब आने से पहले ही आप इसके फॉर्म वगैरह को कम्प्लीट कर लें। और अगर आप UGC NET, CTET, UPTET, CTET शिक्षक भर्ती परीक्षा आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप हमें Unacademy के लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके लिए आपको प्ले स्टोर से Unacademy का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आप हमें सर्च कीजिए ज्ञान प्रकाश लिखकर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो कीजिए। तो फ्रेंड्स, कुछ अच्छी खबरों से शुरुआत करते हैं। बात करेंगे शिक्षक भर्ती में स्नातक में 50% से कम अंक वालों को राहत मिली है। और आपको ये भी बता दें कि NCTE की जारी अधिसूचना बाद की डिग्रियों पर ही लागू होगी और ये महत्वपूर्ण फैसला हाई कोर्ट ने निस्तारित किए कई याचिकाओं के बाद। आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल होने के लिए स्नातक में 50% अंक की अनिवार्यता केवल 28 जून 2018 की NCTE की अधिसूचना जारी होने के बाद की डिग्रियों पर ही लागू होगी। आप बात को साथ समझ गए होंगे, यानी कि 28 जून 2018 के बाद जो लोग BA करेंगे, BSc करेंगे, BCom करेंगे वगैरह, तो उनका 50% अंक होना अनिवार्य है। अगर आपने अपना ग्रेजुएशन 28 जून 2018 के पहले ही कंप्लीट कर लिया है, और निश्चित रूप से जो लोग वर्तमान में BEd कर चुके हैं तो उनका ग्रेजुएशन कम से कम एक वर्ष पूर्व तो कंप्लीट हो ही चुका है। यानी कि 95,000 के आसपास जो
शिक्षक भर्ती आ रही है उत्तर प्रदेश में, उसमें सारे एस्पायरेंट हिस्सा ले सकते हैं जो लोग बीएड कर चुके हैं या बीएड कर रहे हैं अपेयरिंग वाले। देखिए अपेयरिंग के मामले में ये है कि अगर आप सीटेट और यूपीटीटी की परीक्षा देने जा रहे हैं तो अपेयरिंग वाले इसमें अपीयर हो सकते हैं सीटेट और यूपीटीटी में, लेकिन शिक्षक भर्ती परीक्षा के समय तक आपका परिणाम घोषित हुआ होना चाहिए। तो ये एक अच्छी खबर है उनके लिए जिनके स्नातक में 50% से कम अंक हैं और अब वो शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी शामिल हो सकते हैं। एनसीटीई की ओर से स्थिति स्पष्ट कर दी गई और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह आदेश जो है निधि चौधरी, जगन्नाथ शुक्ला सहित अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए कहा है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने स्नातक में 50% अंक अनिवार्य करने की सूचना को चुनौती देने वाले याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया है। एनसीटीई के अधिवक्ता धनंजय अवस्थी ने कोर्ट को बताया कि राजस्थान और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पूर्व में ही फैसला दिया है कि अधिसूचना जारी होने के पहले स्नातक वालों पर 50% अंक की अनिवार्यता लागू नहीं होगी। तो चलिए एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जिनका स्नातक में 50% नहीं है, आगामी होने वाली एक बड़ी भर्ती में वो अपना हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि शायद इससे बड़ी भर्ती दोबारा से नहीं आएगी और ना ही ऐसा स्वर्णिम अवसर उन्हें दोबारा से मिलेगा। तो इसलिए आप लोग अपनी पूरी मेहनत कीजिए और तैयारी करते रहें। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए समय सारणी शीघ्र ही जारी कर दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि परीक्षाएं 7 फरवरी से शुरू हो जाएंगी। और अगर बात करेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा जो कि 68,500 के संदर्भ में हुई थी, तो इस परीक्षा में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं और जांच समिति को भी इसके संकेत मिल चुके हैं। बहुत सारे प्रश्नों ऐसे थे कि जिनके जवाब किसी अधिकारी के पास नहीं थे। मतलब ध्यान रहे आपको कि इससे संबंधित एक बड़ी कार्रवाई हो चुकी है, सचिव वगैरह को इसमें निलंबित कर दिया गया था और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद पिछले 24 घंटे से जाँच केंद्र में तब्दील हो गया है। 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में गड़बड़ी के रिकॉर्ड लगातार खंगाले गए हैं। इस दौरान यह साक्ष्य भी टीम के सामने आए कि जिसमें अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों के सही अंक अवार्ड ब्लैंक पर नहीं चढ़ाए गए, यानी कि अभी तक कोई भी ऐसी कॉपी सामने नहीं आई है जिसमें कोई गड़बड़ी न पाई गई हो। यानी कि आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि मूल्यांकन के समय इतनी ज़्यादा गड़बड़ियाँ हुई हैं कि हो सकता है कि इस पूरी जो प्रक्रिया को फिर से करने की सलाह भी जाँच समिति दे सकती है, क्योंकि किसी भी कॉपी में कोई भी मतलब कि कॉपी ऐसा नहीं है कि जिसमें थोड़ी बहुत त्रुटियाँ ना हो, हर कॉपियों में इसमें त्रुटियां पाई जा रही हैं और यहां पर हर चीज़ के लिए कुछ सफाइयां दी जा रही हैं। जैसे कि जांच टीम ने अनुत्तीर्ण होने वाले 23 अभ्यर्थियों की सूची बेसिक शिक्षा परिषद को भेजने के संबंध में भी सवाल किया, तो ऐसे ही सोनिका देवी की कॉपी गुम होने और कई के अंक बदलने की मूल वजह पूछी तो उन्हें बताया गया कि सोनिका देवी की कॉपी गुम नहीं हुई है, बार कोर्ट में बदली है, जल्दी ही मिल जाएगी। फेल 23 अभ्यर्थियों की सूची इसलिए परिषद चली गई क्योंकि उत्तर पुस्तिकाओं के अंक अवार्ड ब्लैंक पर दर्ज करने में चूक रह गई। तो आपकी एक चूक से कितने सारे अभ्यर्थियों का भविष्य नष्ट हो गया, इस बात का तो अंदाज़ा आप साहबों को नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि आगे से ऐसी त्रुटियाँ ना हो और जो हमारे एस्पायरेंट हैं, जो हमारे युवा हैं, जो देश के भविष्य हैं, उनके मन में इतना गहरा असंतोष व्याप्त न हो, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। बात करेंगे यहाँ पर ACF और RFO मेंस की परीक्षा के बारे में, तो मेंस की परीक्षा शुरू हो चुकी है और इसमें जो है 13% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। और PCSJ के परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में बात करें तो थोड़ा सा आंशिक बदलाव हुआ है। आज से PCSJ के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं और इसके पाठ्यक्रम में आंशिक बदलाव हुआ है। इसमें सिर्फ ZA एक्ट का नाम बदला गया है, इसके अलावा दिव्यांग जन के लिए 24 पद आरक्षित रहेंगे। इन दो सहित कई अन्य बिंदुओं पर प्रदेश शासन से UPSC ने मशवरा मांगा था जिस पर जवाब आ गया है। आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और भी अच्छी बातें बताते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि UPPSC यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वर्तमान में जो परीक्षा करवा रहा है और उसको अगर देखा जाए ACF और RFO मेंस की जो परीक्षा हुई है, तो उसका जो प्रश्नपत्र अगर देखा जाए तो प्रश्नपत्र पिछले प्रश्नपत्रों से काफ़ी डिफरेंट है और डिफरेंट का अर्थ यहाँ पर यह है कि इसमें दोहराव नहीं था। कुछ ऐसे टॉपिक भी उठाए गए जो कि बहुत ही संदर्भित थे और साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिकों पर भी प्रश्न पूछे गए जो कि अभ्यर्थियों को उन्होंने उलझा दिया। बात करें तो
यहाँ पर भारतीय आर्थिक नीति के निर्माण और परिवर्तन के लिए कौन सा संस्थान उत्तरदायी है, ऐसे प्रश्न पूछे गए। 2018-19 के संघीय बजट में घोषित ऑपरेशन ग्रीन स्कीम किससे संबंधित है? भारतीय शहरों के स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में अधिकतम किस मापदंड का 40% वेटेज था, यानी कि अगर आपने अभी तक स्वच्छ सर्वेक्षण के का जो मतलब था प्रश्न उत्तरी अगर आपने तैयार किया होगा तो शायद आपने ऐसे प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया होगा। आपने ये सोचा होगा कि इस लिस्ट में टॉप पर कौन है, उसके बाद कौन है, टॉप फाइव में आप कौन कौन से शहर आते हैं, ये सब आपने देखा होगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न था कि भारतीय शहरों के स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में अधिकतम किस मापदंड का 40% वेटेज था? भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1) के अंतर्गत किसी सांसद की अयोग्यता से संबंधित किसी प्रश्न पर अंतिम निर्णय कौन लेता है, ऐसे प्रश्न भी पूछे गए। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हैं और अब वही अभ्यर्थी इन परीक्षाओं को क्वालिफाई कर पाएंगे जो गंभीरता से पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि तुक्का लगाने के दिन गए और गेस मार्क से पढ़ने के दिन भी जाने वाले हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक अभिलेख न्यायालय है, ऐसा प्रश्न। राजस्व विभाग की ओर से जून 2018 में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार किस मद को GST की छूट दी गई है, आदि प्रश्नों ने UPSC की ओर से विशेषज्ञों के चयन में बदलाव किया और की ओर इशारा भी किया है। तो यहाँ पर आप यूँ कह सकते हैं कि सोमवार को ही सामान्य अध्ययन की परीक्षा में प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के प्रश्नों की संख्या अधिक रही। अभ्यर्थियों की माने तो सभी प्रश्न नए थे, पिछली परीक्षाओं की तरह इसमें दोहराव नहीं था और ACF RFO मेंस 2017 के पहले दिन सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में भी अभ्यर्थियों की ओर से जो प्रश्न पत्र आया उसको सराहा गया। परीक्षा विभाग की थी पर इतिहास और समसामयिक मुद्दों को लेकर प्रश्न IAS परीक्षा के पैटर्न को अपनाते हुए बनाए गए थे, यानी कि अगर आप UPPCS 2018 की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसमें आप संपूर्ण रूप से सफल हों तो आपको गहराई से अध्ययन करना होगा और ऐसे प्रश्नों के लिए विशेष तैयारी आपको रखनी होगी। साथ ही साथ जो मुद्दे बिल्कुल आपको फ्लैट दिखाई देते हैं तो उनसे हटकर थोड़े से टेक्निकल जो बातें होती हैं उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे कि भारतीय शहरों के स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में अधिकतम किस मापदंड का 40% वेटेज था। तो यहाँ पर वेटेज वगैरह के बारे में भी आपको जानकारी यानी टर्म एंड कंडीशन के बारे में भी अब आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। बात करेंगे आगे, शिक्षक भर्ती जांच टीम को सही मिली गड़बड़ी के आरोप, तो इस खबर के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब अगली खबर है प्राइमरी टीचर के लिए स्नातक में 50% अंक जरूरी नहीं, तो इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि 28 जून के बाद जो लोग स्नातक पास करेंगे उनके लिए कंडीशन अप्लाई होगी, उसके पहले वालों के लिए ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। और उच्च शिक्षा निदेशालय के नाम से फर्जी रोजगार विज्ञप्ति वायरल हुई है, निदेशालय में हड़कंप मच गया है। SSP को पत्र भेजकर दी गई है जानकारी और आपको बता दें कि अगर कोई ऐसी वैकेंसी आती है जो ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है तो उस पर आपको आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है, यानी कि वर्तमान में फ्रॉड लोगों का एक बड़ा गिरोह भी सक्रिय है जो आपके पैसे हड़प लेगा और फिर गायब हो जाएगा, ठीक है। और अब आपको और बता दें, शिक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की जांच के लिए आई समिति के सदस्यों से शिकायत और दिन भर इंतजार कर रहे परीक्षार्थियों को शाम को निराशा हाथ लगी, टीम के सदस्यों ने किसी भी परीक्षार्थी की शिकायत नहीं सुनी। और अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी खबरें हैं। ऑनलाइन परीक्षा के लिए करना होगा 600 किलोमीटर का सफर, मामला है रेलवे ग्रुप डी के हजारों अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र बनाए गए दूसरे शहरों में। ALP परीक्षा केंद्र में 1000 से 2000 किलोमीटर तक अभ्यर्थियों को सफर करना पड़ा था, यानी कि जो वर्तमान में रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा 17 सितंबर से शुरू हो रही है उसके बारे में अभी कुछ लोगों के जो है परीक्षा केंद्र पता चल गए हैं, तो परीक्षा केंद्र उनके शहरों में नहीं है, काफ़ी दूर हैं। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि परीक्षार्थियों की संख्या बहुत अधिक है, ठीक है। रविवार 9 सितंबर से ही RRB इलाहाबाद समेत देश के सभी भर्ती बोर्ड कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों को इस बात की जानकारी मिलनी शुरू हो गई है कि उनकी परीक्षा कब और किस शहर में हो रही है। फिलहाल सभी अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक और मैं कामना करता हूं कि आप इस परीक्षा में सफल हों। और साथ ही साथ अब इस सेशन को हम समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। और जितने भी लोग हमसे जुड़े मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और सभी के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। तो वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि जब भी कोई नया नोटिफिकेशन इस चैनल पर आए तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। चलते चलते मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में
UPTET, CTET और शिक्षक भर्ती परीक्षा के साथ साथ UGC नेट के जो हमारे कोर्सेज शुरू हो चुके हैं। वर्तमान में YouTube पर अगर बात करें तो बाल विकास और शिक्षण शास्त्र गणित की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, और अगर आप इन्वायरमेंट की कक्षाएं ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हमें बहुत सारी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं जिसके अनुसार वहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके के आपको स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव ए नाइस डे।